वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हैदराबाद से दिल्ली आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, 3 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कॉमन सिविल कोड को लेकर आज कमेटी की बैठक होगी, बैठक के बाद कमेटी के सदस्य से मुलाकात भी कर सकते हैं, कमेटियों के सदस्यों से आज मुलाकात भी हो सकती है। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा लगातार उत्तराखंड में समय गरमाया हुआ है, जिसको लागू करने की बात लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की जा रही है। हैदराबाद से आज दिल्ली लौट रहे हैं, 3 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहां पर आज कमेटी की बैठक होनी है, कॉमन सिविल कोड को लेकर यह बैठक रखी गई है। बैठक के बाद कमेटी के जो सदस्य हैं उनमें सहमति बन सकती है, तो आज का दिन बेहद अहम हो जाता है, काफ़ी खास हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैदराबाद पहुंचे थे, वहां पर अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए थे। मिशन हैदराबाद को लेकर बैठक हुई थी, वहां पर मिशन तेलंगाना को लेकर बैठक हुई थी, तो ये काफ़ी अहम बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज वापस लौट रहे हैं दिल्ली, और यहां पर दिल्ली में कमेटी के सदस्यों के साथ मुलाकात आज होगी। 3 बजे का समय बताया जा रहा है जब उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और कॉमन सिविल कोड को लेकर आज कमेटी की बैठक होगी, कमेटी के सदस्य उस बैठक में शामिल होंगे और कमेटी के जो सदस्य हैं उन सभी से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज उत्तराखंड सदन पहुंचने का 3 बजे लगभग समय बताया जा रहा है, तो हैदराबाद से आज दिल्ली लौट रहे हैं। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और उसी को लेकर आज की बैठक होनी है, जो कमेटी बनाई गई है उसमें जो सदस्य हैं उन सभी सदस्यों से आज मुलाकात होगी और उन सभी से आज चर्चा होगी, मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल होने वाले हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से 2 दिन की जो बैठक रखी गई उस बैठक से वापस लौट रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए और वहां पर पूजन अर्चना भी की। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के श्री तिरुपति बालाजी पहुंचकर सीएम ने दर्शन पूजन किए, वहीं दर्शन के बाद से सीएम धामी ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर की और उस पर यह भी लिखा है कि श्री वेंकटेश्वर प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, प्रदेशवासियों के सुख शांति और कल्याण की कामना की। सीएम ने दर्शन पूजन की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और आपको बता दें कि 2 दिवसीय भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी तिरुपति पहुंचे और दर्शन पूजन करके प्रदेशवासियों के सुख शांति और कल्याण की कामना की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर है, तिरुपति बालाजी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वहां पर पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद ये जो फोटो है वही की फोटो है, उसके बाद सोशल मीडिया पर इस फोटो को पोस्ट किया गया, तभी से हालांकि ये पोस्ट है उसको सब लोग देख भी रहे हैं। प्रदेशवासियों के सुख और शांति की कामना की, मुख्यमंत्री वहां पर बैठक में शामिल होने के लिए गए थे और उसी बैठक के साथ साथ मंदिर भी पहुंचे, तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे जहां पर पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है, ऐसे में लगातार कई युवा कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। आज भी आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वय समिति के अध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में कई युवा कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। ज्योति सिंह बिष्ट ने कहा कि लगातार पार्टी पर विश्वास जताते हुए कई युवा पार्टी से जुड़ रहे हैं, जो कि आने वाले समय में पार्टी को मजबूती से खड़ा करने का काम करेंगे। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, नौजवान उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं और आज रायपुर विधानसभा से लगभग 15 नौजवानों ने आम आदमी पार्टी की विचारधारा में, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी की विधिवत रूप से सदस्यता ग्रहण की। हम आम आदमी पार्टी परिवार में सभी साथियों का स्वागत करते हैं और साथ ही ये बताना चाहते हैं कि कल जिस तरह से माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में
66,000 से ज़्यादा लोगों ने गुजरात में आम आदमी पार्टी का सदस्य बन करके एक चौंकाने वाला आंकड़ा गुजरात के अंदर दिखाया। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 3 दिन रहेगा बंद मां मनसा देवी का रोपवे, अर्धवार्षिक के रखरखाव के लिए ये मरम्मत की जाएगी। यहां पर 4 से 6 जुलाई तक बंद रहेगा मनसा देवी मंदिर रोपवे। आपको बता दें कि 7 जुलाई से 9 जुलाई तक मां चंडी देवी रोपवे बंद रहेगा। रखरखाव कार्य पूरे होने पर यह शुरू किया जाएगा, रोपवे का जो संचालन है उसको शुरू किया जाएगा। फिलहाल इसको बंद कर दिया जाएगा क्योंकि मरम्मत का काम यहां पर शुरू कर दिया जाएगा और इसीलिए अब मनसा देवी का जो रोपवे है 3 दिन तक उसको बंद रखा जाएगा। अर्धवार्षिक रखरखाव है, वहां पर जो अब मरम्मत का काम होना है उसको लेकर 4 से 6 जुलाई तक बंद रहेगा रोपवे। चंडी देवी का जो रोपवे है वो 7 से 9 जुलाई तक बंद रहने वाला है क्योंकि रखरखाव का जो काम है वो दोनों ही जगह होना है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं, उन श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है और बड़ी जानकारी भी है अगर वो हरिद्वार जाना चाहते हैं। राजकुमार पास संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, 3 दिन तक जो मनसा देवी का रोपवे है वो बंद रहेगा, क्या क्या काम वहां पर मरम्मत का होना है और तैयारियां क्या है? सबसे पहले माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी के मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, पैदल रास्ता भी है लेकिन रोपवे के द्वारा लाखों श्रद्धालु चंडी देवी और मनसा देवी के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन अर्धवार्षिक रख रखाव के चलते हुए उनकी मरम्मत का कार्य यहाँ पर चल रहा है। जो रोपवे है, जो उषा ब्रेको कंपनी है रोपवे पर चलाती है, वो हर साल में 6 महीने में इसकी मरम्मत का कार्य करते हैं और साल में 15 दिन के लिए भी बंद किया जाता है, लेकिन अभी 3 महीने के लिए आज से रोपवे को बंद किया गया है। 6 जुलाई तक बंद रहेगा माँ मनसा देवी मंदिर का, इसके बाद माता चंडी देवी का मंदिर जो है 9 जुलाई से बंद होने वाला है। और आपको बता दें कि जो हरिद्वार में श्रद्धालु आएंगे उनको थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन 6 जुलाई से सुचारू रूप से मां मनसा देवी मंदिर का रोपवे पुनः चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक क्या तैयारियां हैं क्योंकि रोपवे को बंद किया जा रहा है, जो श्रद्धालु अभी आ रहे जिनको खबर नहीं होगी क्योंकि वो लगातार आते रहेंगे, उनके लिए व्यवस्थाएं क्या है? हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उषा ब्रेको लिमिटेड कंपनी के द्वारा पहले ही आदेश जारी कर दिया गया है कि अर्धवार्षिक जो रोपवे के लिए मेंटेनेंस प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाया करा जाना है, जिसमें वायरिंग होती है जिसको सुचारू रूप से करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले ये घटना हुई थी रोपवे में, अब कुछ लोग फंस गए थे, उसके कारण कई दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ा था। ऐसी कोई समस्या हरिद्वार में रोपवे में ना हो उसको लेकर मेंटेनेंस का कार्य लगातार यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके चलते जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो पैदल मार्ग के जो पैदल मार्ग है उससे माता मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालु जा सकते हैं, लेकिन पुनः 6 जुलाई से माता मनसा देवी का जो मंदिर का रोपवे है पुनः चालू कर दिया जाएगा। राजकुमार, ये अर्धवार्षिक रखरखाव है जो कि अर्धवार्षिक होता भी है, पहले से जो इंतजाम थे और अब की बात जो इंतजाम है उनमें कितना फर्क है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि रोपवे में फंसने की कई घटना सामने के आने के बाद उषा ब्रेको जो कंपनी है उनके मैनेजर ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही इसमें नहीं बरती जाएगी, जो भी मेंटेनेंस का कार्य है उसको अपनी देख रेख में वो लोग करवा रहे हैं, इंजीनियरों की देख रेख में यहाँ पर कार्य चल रहा है, जो फिनिशिंग का कार्य है, जो मशीनों का कार्य है उसको सुचारू रूप से चलाते हैं, जो उनको भी सुचारू रूप से रख रखाव का जो कार्य है उनको भी मेंटेनेंस के माध्यम से सुधारा जा रहा है और करीब तरह की जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इसके लिए ये अर्धवार्षिक जो सुचारू रूप से प्रक्रिया चल रही है मेंटेनेंस की वो जारी है और जल्द ही इसको खत्म कर लिया जाएगा और 6 जुलाई से पुनः जो है रोपवे वो चालू कर दिया जाएगा। जी राजकुमार, जैसा कि आप रोपवे के बारे में बता रहे हैं कि सिर्फ उसी की मरम्मत होगी, उसी का रखरखाव होगा या फिर वहां से कोई अगर रास्ता गुजरता है, वहां से लोग जाते हैं, वहां से श्रद्धालु जाते हैं तो क्या वो जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मां मनसा देवी के लिए सीढ़ियों से जाने का रास्ता पैदल मार्ग है,
जिसमें श्रद्धालु अभी जाते हैं और जा भी रहे हैं, थोड़ा रोपे से ये हो जाता है कि जैसे बुजुर्ग श्रद्धालु हैं और जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है रोपे से, क्योंकि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वह हरि धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचते हैं और माँ मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि मंदिर जो है पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित है। पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते जो बुजुर्ग लोग हैं और जो विकलांग लोग हैं वो मंदिर तक नहीं पहुंच पाते थे, इसके लिए रोपवे की सुविधा के जरिए अब वो लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचते थे। लेकिन 3 दिन तक इन लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उषा रेपो लिमिटेड कंपनी ने बताया है कि रोपवे को सुचारू रूप से मेंटेनेंस कार्य करने के बाद पुनः 6 जुलाई को चालू कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन यात्रियों के लिए ये अच्छी जानकारी है जो कि इस समय यात्रा करने के लिए जाना चाहते हैं कि 3 दिन तक जो मनसा देवी का रोप वे है वो बंद रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं क्योंकि सोनप्रयाग से 1600 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हुआ। इससे पहले रविवार को 3,841 पुरुष, 3,012 महिलाएं और 107 नौनिहाल और एक विदेशी सैलानी समेत 7,061 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। आपको बता दें कि अभी तक 8,50,014 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं और वहीं इसी साल अभी तक 18 विदेशी सैलानी केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। वहीं केदार घाटी में चटक धूप खिलने के मौसम में अब सुहावना हो गया है। एक ब्रेक ले, आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। लक्सर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन का ऐसा बिगुल बजा है कि अवैध खनन में अब छुपे माफियाओं की जमीन हिल गई है। दरअसल एसडीएम को उनके मुखबिर से पता चला कि बाणगंगा नदी के तटीय इलाकों में गोल पत्थर संबंधित महंगे खनिज की अवैध तस्करी बड़ी मात्रा में की जा रही है। उसके बाद सूचना पाते ही एसडीएम एक्शन मोड में नजर आए वहां पर और अवैध खनन की गतिविधियों को अंजाम देने में मशगूल माफियाओं में अफरा तफरी मच गई। वहीं इसी दौरान एसडीएम और उनकी टीम ने मौके पर ही 7 अवैध खनन सामग्री से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है। हालांकि इस दौरान उनके चालक 2 JCB मशीनों समेत मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। फिलहाल एसडीएम के निर्देश पर प्रशासनिक टीम जुटी हुई है। कल रात एक सूचना मिली थी कि ब्रह्मपुर और नहनपुर के सीमा में बाणगंगा में अवैध खनन की कार्रवाई चल रही है और जेसीबी मशीन से अवैध खनन हो रहा है। तत्काल यहां से टीम मूव कराया गया, मौके पर जेसीबी मशीन प्राप्त नहीं हो पाई, 7 ट्रैक्टर जो कि आरबीएम से भरे हुए मौके पर पकड़े गए और उन्हीं सभी को सीज करके उनके उनकी चालानी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इस तरह की जो भी अवैध खनन की कार्रवाई होगी लगातार इस पर कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला में सूर्यधार झील से ऊपर सड़क के मलबे से प्राकृतिक झील बन गई है। प्राकृतिक झील बनने से सूर्यधार झील और रानी पोखरी में बन रहे पुल पर भी खतरा मंडराने लगा है। और वहीं आपको बता दें कि PMGSY का जो 12 किलोमीटर सड़क बनाने का काम चल रहा है उसके ठेकेदार पहाड़ी का मलबा नदी में डाल रहे हैं जिससे कि ये झील बन गई है। वहीं कई विभागों की टीम आज मौके का मुआयना करेगी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी हो चुका है। नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिन कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार और राज्य में मानसून की दस्तक के बाद बारिश जारी है, बारिश लगातार देखने को मिल रही है। कई जिले ऐसे नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, यहाँ पर अगले 4 दिनों तक कई जिलों में झमाझम बरसात का मौसम देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है ताकि लोग अपनी सावधानी पूर्वक गतिविधि आगे चला सकें। 4 जिले खासकर जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, अगले 4 दिन तक जिलों में झमाझम बारिश के आसार हैं। राजकुमार पाल संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, कई जिले उत्तराखंड में ऐसे हैं जहां पर अगले 4 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार।
हाँ जी बिल्कुल काजल, आपको बता दें कि मौसम विभाग देहरादून के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जो जिसमें 4 जिलों में येलो अलर्ट बताया गया है। 4 जिलों में भारी बारिश की आशंका है जिसमें देहरादून है, नैनीताल है, उधम सिंह नगर है और आपको बता दें चंपावत भी है इसके अंदर। और भारी बारिश के चलते SDRF और NDRF टीम को सरकार ने तुरंत अलर्ट मोड पर रखा है, जैसे भी किसी भी अप्रिय घटना की सूचना मिले जिससे कि लोगों को बचा सके और जो भी रोड में बाधाएं आती है उनको भी तत्काल निस्तारण यहां पर किया जाना है। उसके लिए कई टीमों का यहां पर गठन किया गया है, कई और मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से भी लोगों को अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में चार धाम यात्रा सीजन भी चल रहा है जिसके चलते बारिश के चलते यहां पर भूस्खलन भी देखने को मिल रहा है। कई घंटे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है भूस्खलन होने के चलते यहां पर बाधित हो रहा है, लेकिन जो PRO की जो सड़क की कंपनियां हैं उसको सुचारू रूप से दो दो से तीन तीन घंटे उनको खोलने में जो सड़क है उसको खोलने में लगता है। उसके लेके आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बारिश के चलते प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थराली में बीते 25 जून को क्षेत्र के मृत्युंजय महादेव मंदिर देवधुरा में चोरी हो गई थी। मंदिर समिति ने इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और 25 जून को सिमली गांव के भुवनेश सती में अपनी बाइक गांव के बाजार जाखोली सिमार में पार्क करके अपने घर चला गया था। 29 जून को जब वो घर से बाजार पहुंचा तो उसकी बाइक चोरी हो गई थी। उसने 1 जुलाई को थाना थराली में बाइक चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। मंदिर में हुई चोरी की घटना और बाइक चोरी का मामले की पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर दिया है। बागेश्वर को चमोली से जोड़ने वाली शंभू नदी पर बनी झील का खतरा अब कम होने लगा है। सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा के मुताबिक नदी से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। वहां पर प्रशासन की तरफ से पोकलेन मशीन लगा दी गई है जिससे कि पानी की निकासी का काम भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बागेश्वर के अंतिम गांव कुंवारी की तलहटी पर शंभू नदी में मलबा आने से झील बन गई थी जिससे कि चमोली जिले के थराली क्षेत्र के लिए खतरा बन गई थी। झील में 6500 क्यूसेक से ज़्यादा पानी जमा हो गया था जो इस मानसून सीजन में एक बार फिर से बड़ा खतरा बनने जा रहा था। सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से आपदा मद में बजट की मांग की गई जिसको विभाग की तरफ से स्वीकृत कर लिया गया है और साथ ही जिलाधिकारी को निर्देश भी दे दिए गए हैं आपदा और राहत बचाव कार्य में किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई न बरती जाए। पे लेक बनी बन गई थी वहाँ पर पोकलैंड मशीन लगा दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा कुछ धनराशि की मांग की गई है वो हम जारी कर देंगे। हाँ उन्होंने एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के बारे में भी एक मैं अपनी आख्या में इंगित किया है कि यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए भी कार्य किए जाएँ तो ये अभी हो जाता है उसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का भी हम DPR बनवाएंगे इरीगेशन के माध्यम से। बारिश का मौसम तमाम लोगों के लिए खुशहाली लेकर आता है और साथ ही कई लोगों के लिए तरह तरह की बीमारियां भी साथ लाता है। इसके चलते तमाम तरह की बीमारियों से बचने के बेहतर तरीके सुझाए गए हैं। लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन बाटला ने कहा है कि वैसे तो बारिश का मौसम का आनंद जरूर लें लेकिन खान पान पर ध्यान रखें, साथ ही पानी उबालकर ठंडा करके पिए, तला हुआ भोजन कम खाने की कोशिश करें, घर के आसपास पानी जमा होने ना दें जिससे कि डेंगू मच्छर पैदा ना हो। देहरादून से बड़ी खबर इसी बीच आपको बता देते हैं। हरेला पर्व को लेकर वन मंत्री की अहम बैठक। हरेला पर्व को लेकर जो कि उत्तराखंड में बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है, मंथन सभागार में अहम बैठक हो रही है। वन मंत्री, सचिव, RK सुधांशु और आला अधिकारी समय मौजूद। सभी जिलों से DFO वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। 16 जुलाई से हरेला पर्व शुरू हो रहा है, तो 16 जुलाई से हरेला पर्व की शुरुआत हो रही है जिसको उत्तराखंड में काफ़ी बड़े स्तर पर मनाया जाता है और कई दिनों तक ये त्यौहार लगातार चलता है। हरेला मतलब हरियाली से संबंधित ये त्यौहार होता है और इसको लेकर अब प्रशासन की तरफ से बैठकें भी लगातार की जा रही हैं। वन मंत्री खुद इस बैठक में शामिल हैं, DFO वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें जुड़े हुए हैं। 16 जुलाई से हरेला पर्व की शुरुआत हो रही है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियां कर रहा है। हरेला पर्व को लेकर वन मंत्री की अहम बैठक है, वन मंत्री की ये जो बैठक हो रही है और मंथन सभागार में ये बैठक हो रही है। वन मंत्री
और सचिव आर के सुधांशु, उनके अलावा आला अधिकारी और भी मौजूद हैं। सभी जिलों के DFO उसमें जुड़े हुए हैं। सभी को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि 16 जुलाई से हरेला पर्व की शुरुआत हो रही है, हरेला पर्व शुरू हो रहा है, कोई भी उसमें कमी ना रहे, इसको लेकर आज बैठक। हरेला पर्व पर भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर पर पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम करेगी और ये कार्यक्रम 6 जुलाई से 16 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान में संपूर्ण प्रदेश में लाखों के हिसाब से वृक्षों को लगाया जाएगा। भाजपा कार्यालय पर हरेला पर्व के प्रदेश कोऑर्डिनेटर और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि प्रदेश के हर कोने कोने में हरेला पर्व विधिवत रूप से संपन्न हो, प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए सभी जगहों पर वृक्षारोपण होगा और उन्हें शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसके वो आभारी हैं और पूरी निष्ठा के साथ में निर्वहन करेंगे। उन्होंने ये बताया कि भाजपा ने तय किया है कि हर बूथ लेवल पर वृक्षारोपण किया जाए, जो कि 6 जुलाई से 16 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर में लाखों पौधे लगाए जाएंगे। ये कार्यक्रम स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को भाजपा ने समर्पित किया है। पखवाड़े को भारतीय जनता पार्टी ने 100% डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस को समर्पित किया और प्रदेश के कोने कोने में हरेला त्यौहार विधिवत संपन्न हो, प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए सभी जगह वृक्षारोपण हो, इसे निमित्त उत्तराखंड प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझको इस कार्यक्रम का प्रदेश संयोजक बनाया है। मैं अपने संगठन का मैं साधुवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।